अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान मकबूल, प्रोग्राम अफसर ब्लॉक सागाम, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एमजी नरेगा के साथ वाबस्ता। और मेरे साथ यहाँ पर मेरे एम्प्लॉयज़ जिनमें टेक्निकल असिस्टेंट्स, एमआईएस ऑपरेटर्स और ग्राम रोजगार सहायकस भी हैं। देखिए, हम पिछले महीने की 16 तारीख से स्ट्राइक पे हैं और स्ट्राइक का मुद्दा और मकसद एक ही चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है हम लोगों को लेके एक क्लियर कट जो स्टैंड है वो वाजिया कर दे। हम लोग जो कि हाईली क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट को भी पता है कि कितनी क्वालिफिकेशन इनके पास है, हम में से रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, हम में से एमटेक्स भी है, गोल्ड मेडलिस्ट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन किस्मत के रहे हम इसी डिपार्टमेंट में हैं, वाबस्ता है, हमने अपना प्राइम टाइम जो है इसी डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को देखते हुए हमारे लिए कुछ ना कुछ सॉलिड कोई कदम हमारे लिए उठाया जाए। तो हम गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्द अज जल्द अपने स्टैंड को लेके थोड़ा सा क्लियर कर दे, ताकि हम भी अपनी स्ट्राइक को एंड करें। और जो 80% रूरल पॉपुलेशन इस टाइम सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ दिस पैंडाउन स्ट्राइक, वो मोर सफ़र ना करे। जहाँ तक क्लियर आप देख सकते हैं, जो हमारा T+8 मॉड्यूल है, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, दिन ब दिन 16 तारीख से वो घटते ही जा रहे हैं। पूरे इंडिया में हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के इंडिकेटर जहां उरूज पे थे, हम टॉपर्स में हुआ करते थे, इस टाइम लोवेस्ट नंबर पे आ चुका है इन्हीं 16 दिनों में। वो बिकॉज पूरा जो एमजी नरेगा स्टाफ है वही काम करने वाला स्टाफ है। और हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ कि जल्द अज जल्द वो हम लोगों को लेके एक क्लियर का डिसीजन ले ले, वाजिया करे उस चीज़ को, और एब्जॉर्प्शन को लेके हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ सोचे, ताकि हम इस स्ट्राइक को एंड करें। थैंक यू वेरी मच।